हेलो फ्रेंड। तो आज हम करेंगे एक बहुत छोटा काम, क्योंकि लोग तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन हम आज करेंगे बहुत ही छोटा काम। जो मैं इस मेडिसिन के ऊपर एक पेंटिंग बनाऊंगा। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं मेडिसिन लेकर आया था, तो मैंने उसमें से एक बचा ली थी इसलिए कि मैं इस पे पेंटिंग करूँगा। अब मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है और अब मैं इसे यूज़ करूँगा एज अ कैनवस, और मैं इस पे बनाऊँगा एक पेंटिंग जो बहुत ही छोटे साइज़ की होती है। तो हम आज बहुत छोटा काम करने जा रहे हैं, देखते हैं कि ये कैसा बनता है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं तो, और कमेंट भी देते रहिए। एक्चुअली मुझे पता चलना चाहिए कि हम मैं कैसा काम कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, अगर बुरा लगता है तब भी कमेंट कीजिए, मुझे बताइए एटलीस्ट कि आपको ये पसंद आया कि नहीं आया, और मैं क्या कर सकता हूँ, और आपको कैसा काम पसंद है और कैसी पेंटिंग्स मुझे बनानी चाहिए। तो मैं हूँ जियाउल हसन और आप देख रहे हैं हसन आर्ट स्टूडियो, और चलिए शुरू करते हैं इस पर पेंटिंग करना। आज बहुत ही छोटी पेंटिंग हम आज करेंगे, तो शुरू करते हैं। अगर मैं इससे बाहर गया तो फिर मेरा वीडियो नहीं आ पाएगा, तो इसलिए पहले मैं कर रहा हूँ यहाँ पर बाउंड्री। अब मैं इसी के अंदर काम करूँगा। तो मैं एक बना रहा हूँ यहाँ पर लैंडस्केप इस छोटे से एरिया में। सबसे पहले मैं इसमें बनाऊँगा, ओह माय गॉड, वेयर इज द ब्लू कलर। मैंने अपने हाथ को यहाँ पर यूज़ किया है एज अ पैलेट, और ये छोटी पेंटिंग्स बनाना मुझे बहुत पसंद है। जब और ये मैंने सीखा है, ये कहिए मुझे इंस्पिरेशन मिली है हसन काले जी से। वो बहुत ही अच्छी उम्दा पेंटिंग्स बनाते हैं, मिनिएचर पेंटिंग बहुत अच्छा काम करते हैं वो उसमें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब भी उनका वर्क देखता हूँ। और बड़ी पेंटिंग बनाने के साथ साथ मुझे छोटी पेंटिंग बनाना पसंद है। मुझे दो तरह की पेंटिंग
बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी। तो मैं हमेशा हमेशा यही काम करना चाहता हूँ कि बड़ा और छोटा, इसमें मुझे खुशी मिलती है। जो काम आपको पसंद है, अगर आप वो काम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो अलग बात है कि आपको इसमें भले डॉक्टर जैसी इनकम ना हो, यदि आप डॉक्टर हैं और आपको उसमें मज़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो आपका टाइम वेस्ट है वो। और मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, भले ही मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट करता हूँ और मुझे कुछ भी फ़ायदा ना होता हो, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसे अपने लिए करता। लेकिन यूट्यूबर जो आज कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमेडीज़ लोग पसंद कर रहे हैं। ये पेंटिंग्स जो आर्ट हैं, इन्हें ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर एरिया में काम करना चाहिए, ना कि अगर हम सिर्फ कॉमेडी 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 करते रहेंगे तो फिर ये आर्ट कौन करेगा। अगर मैं भी इसे बंद करके और आपका अपना कॉमेडी चैनल खोल लूँ तो क्या फ़ायदा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है, मुझे तो पसंद ही नहीं है। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं है कि कॉमेडी वगैरह नहीं कर सकता हूँ, आई एम वेरी गुड कॉमेडियन ऑल्सो। और मुझे नई नई चीज़ें करने में मज़ा आता है। अगर आपको भी इस तरह के काम पसंद है तो अपने कोई भी काम आप दुनिया को दिखा सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे अपना काम डाल सकते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको अपना टैलेंट शो करने का मिल जाता है। और मैं यहाँ पर एक हाउस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पे, मुझे नहीं पता कि ये पेंटिंग कैसी बनेगी। ज़्यादातर लोग जो जब हम पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि उसमें बनने क्या वाला है, कैसा बनेगा वो, और ये इसकी नेचुरलता होती है। जो हमें पता ना हो और हम वो कर रहे हैं, अब क्या होता है इसमें देखते हैं, या तो ये अच्छा बनेगा या फिर बुरा, दो ही बातें होती हैं। मैं नेचुरल लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है इसमें जो मैंने ये झोपड़ी बनाई है ये अच्छी नहीं बनी है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे इसे और अच्छा करने का। और मैं यहाँ पर कुछ फ्लावर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। इधर गीला एरिया है तो इधर यूज़ करेंगे पहले।
और पता नहीं क्यों मेरे हाथ क्यों हिलते हैं पेंटिंग्स वगैरह करते हुए। मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसी प्रॉब्लम है। इसमें मौसम बहुत ख़तरनाक बना है, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं बहुत घने। एक छोटा सा यहाँ पर हमने झोपड़ी बनाई है जो हिली एरिया में है, और अभी हिल यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, और मैं यहाँ पर हिल बनाने की कोशिश करूँगा। अभी पहले मैं यहाँ पर एक गार्डन बना देता हूँ। ओफो, ये काफ़ी सुखद है मेरे लिए और मुझे बहुत इसमें मज़ा आ रहा है करते हुए। कभी कभी ऐसा होता है मन नहीं करता है आर्ट करने का, और हम आर्ट करने के लिए कुछ भी लेके बैठ जाते हैं बट उसमें मन नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। कई बार मैं ऐसे अपने ये कैनवास वगैरह उठा के बैठता हूँ फिर, बट उसमें मज़ा नहीं आता है तो फिर वो मुझे रखना पड़ता है। और कभी तो मैं बहुत दिन तक कभी ड्राइंग करता नहीं हूँ, और किस जब मैं करता हूँ तो एक दिन में बहुत सारे ड्राइंग्स करता हूँ और पूरा पूरा दिन उसमें लगा रहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाना भी नहीं खाता और आर्ट में ही लगा रहता हूँ। यहाँ पर मैं हिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस घर से काफ़ी दूर दिख रहे हैं। और ये स्विट्ज़रलैंड वाले हिल्स हैं जो ग्रीन कलर के रहते हैं ज़्यादा, और यहाँ पर हम लोग रह भी सकते हैं। इसमें थोड़ा टच देना पड़ेगा लाइट का जो मैं येलो कलर से दूंगा। और ये एहसास बहुत सुखद है मेरे लिए, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये करने में। आप देख सकते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट ना आए तो वो इतनी देर तक ऐसे कुछ कर सकता है। एक कहावत है, लोग कहते हैं कोई भी बंदा दो ही चीज़ से काम कर सकता है, या तो खौफ से या शौक से। अब इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कितना 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 भी कहते रहो बट वो कुछ करते नहीं हैं, और कर भी कैसे सकते हैं जब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक ट्री बनाने की कोशिश करूँगा अब, और ये आपका तो पता नहीं बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको भी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए।
अब मैं ये घर को थोड़ा संभालने की कोशिश करूँगा, ये ज़्यादा डार्क हो गया है ब्लैक। हल्का सा वाइट लाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ये मेरे घर के बाहर बहुत शोर शराबा हो रहा है, लोग यहाँ से इधर गुजर रहे हैं। मैंने होम थिएटर भी बंद कर दिया है वरना बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ जाएगा और मैं ख़ुद ही बकवास किए जा रहा हूँ नॉन स्टॉप। हो सकता है कुछ लोगों को पेंटिंग तो अच्छी लग रही हो बट मेरी ये बकवास अच्छी नहीं लग रही हो। अगर ऐसा है तो सॉरी, माफ कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक ट्री जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे नेचर से बहुत प्यार है और मुझे ये ट्री एंड फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ओफो, पहले यहाँ पर कलर भी बनाना पड़ेगा। अब एक थोड़ा ब्राउन कलर बनाते हैं, हमारे पास कलर है नहीं, सिर्फ बेसिक कलर हमने यहाँ पर लिए हुए हैं जिससे हमें कलर बनाने पड़ रहे हैं। कोई नहीं, कलर से खेलने में बहुत मज़ा आता है। जैसे एक कलर का त्यौहार होली, घर के करीब बनाते हैं पेड़। ओह माय गॉड, ये चिपक रहा है भाई। भाई ये चिपक बहुत रहा है इसमें, ये कौन सा कलर है, थोड़ा वाटर ऐड करना पड़ेगा। ये पता नहीं मेरे हाथ क्यों हिलते हैं यार, आप देख सकते हैं ये ब्रश कितना हिल रहा है। और ये पेड़ काफ़ी अच्छा बना है यहाँ पर, मैं इसमें ग्रीन लीव्स नहीं लगाऊंगा, इस पेड़ को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। दूसरा पेड़ बनाने की कोशिश करूंगा मैं, उसमें ग्रीन लीव्स दूंगा। एक पेड़ आगे लगाते हैं बड़ा सा, ये बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे कि जो चीज़ पास में होती है वो बड़ी दिखती है और जो चीज़ दूर होती है वो छोटी दिखती है।
इस पर थोड़ा लीव्स वगैरह लगाते हैं, उसके लिए हम लाइट यूज़ करेंगे बिकॉज बैकग्राउंड में डार्क डार्क ग्रीन कलर है तो वो हमें दिखेगा नहीं। ये आया हमारा ट्री। तो दोस्तों ये वही मेडिसिन है जो मैंने आपको बनाने से पहले दिखाई थी, और ये अब बनाने के बाद इस पे मैंने एक लैंडस्केप बना दिया है छोटा सा। हमने किया है बहुत ही छोटा काम, और मैं मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड गिव मी अ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you very much.